दोस्तों, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि भैया 2 और 7 कितना होता है तो आप क्या बोलेंगे? 27 ना। अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि भैया 2+7 कितना होता है तो आप क्या बोलेंगे? 9 ना। लेकिन यहां पर मैं भैया दोनों कंडीशन में 9 ही बोलूंगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, चलिए मैं इसका कारण आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भैया स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अक्षय कुमार ने अपनी गाड़ी की सीट पकड़ ली है यानी कि भैया वो ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं और धड़ाधड़ वो अपनी फिल्मों का काम शुरू करने वाले हैं। यानी कि भैया एक फिल्म को लेकर तो हमने आपको खबर दे दी है कि भैया बहुत जल्दी ही अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ निकलने वाले हैं इंडिया से बाहर, यानी कि भैया लंदन में उनकी फिल्म की शूटिंग चालू होगी। कौन सी फिल्म? तो भाई बेल बॉटम की। तो भाई इस फिल्म की शूटिंग तो वो बहुत जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन आज उनको लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आई है जो कि उनकी आने वाली एक फिल्म से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 में अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान की एक पोस्टर हम लोगों के सामने आई थी और जिसके माध्यम से बताया गया था कि भैया अक्षय कुमार की एंट्री हो चुकी है आनंद एल रॉय की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि अतरंगी में। तो दोस्तों, अतरंगी को लेकर भी यह खबर सामने आ चुकी है कि भैया अक्षय कुमार जैसे ही बेल बॉटम का काम खत्म करके इंडिया आएंगे तो भाई उसके बाद वो जुड़ जाएंगे अतरंगी की शूटिंग में। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि अतरंगी का जो शेड्यूल है अक्षय कुमार का वो 14 दिनों का है, यानी कि भैया लगातार अक्षय कुमार इस फिल्म का काम 14 दिनों तक करेंगे और इस फिल्म को वो पूरा कर देंगे। आपको बता दूं कि अक्षय कुमार को जो रोल इस वक्त दिया गया इस फिल्म में, पहले इस रोल के लिए आनंद एल रॉय लेना चाहते थे ऋतिक रोशन को, लेकिन भैया ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को छोड़ दिया था। उसके बाद आनंद एल रॉय अपनी इस फिल्म को लेकर चले गए थे अक्षय कुमार के पास और अक्षय कुमार ने उनकी बात को मानते हुए इस फिल्म को कर लिया। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का जो किरदार है वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि भैया वो पूरी कहानी को नरेट करते नजर आएंगे, यानी कि वो एक नरेटर के तौर पर इस फिल्म में नजर आने वाले और उनका शेड्यूल जो है वो 14 दिनों का है। लेकिन भाई खबरें जो निकल के आई हैं अक्षय कुमार को लेकर कि भैया उन्होंने इस 14 दिनों के लिए कितना पेमेंट लिया है, यानी कि भैया बॉलीवुड के गलियारों से यह खबर निकल के आ रही है कि भैया उन्होंने अपना लकी नंबर मांगा इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि आनंद एल रॉय से, यानी कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 27 करोड़ रुपए लिए हैं। यानी कि खबरें यही निकल के आ रही है बॉलीवुड से कि भैया वो इस फिल्म के लिए 27 करोड़ लिए हैं। पहले तो खबरें यह आ रही थी कि भैया वो हर दिन के हिसाब से 1 करोड़ लेने वाले थे, लेकिन भाई आंकड़ा जो उनका जो फेवरेट आंकड़ा है वो नहीं बन पा रहा था। इसी वजह से यहां पर खबरें यही आ रही है कि भैया लकी नंबर है 9 तो भैया चाहिए 27, तो भैया 27 करोड़ ऐसी खबरें निकल के आ रही है। और आपको बता दूं कि अब तक इस फिल्म के मेकर की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि क्या वाकई में जो यह खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि भैया इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने 27 करोड़ रुपए लिए हैं, उस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन भैया बॉलीवुड के गलियारों से यही खबर निकल के आ रही है कि भाई इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को 27 करोड़ मिले हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया अक्षय कुमार ने तो भैया अपनी शूटिंग वाली ड्राइविंग सीट पकड़ ली है और भाई वो बैक टू बैक अपनी सभी फिल्मों का काम पूरा करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जब अतरंगी आएगी बॉक्स ऑफिस पर तो क्या एक बार फिर से आनंद एल रॉय धनुष के साथ और अक्षय कुमार के साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे? आपको क्या लगता है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।